फरीदाबाद एनआईटी विधानसभा क्षेत्र से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने वरेंद्र डंगवाल को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिन्होंने आज लाल झंडे के नीचे सैकड़ों समर्थकों के साथ अपना नामांकन किया, जिनका नामांकन करवाने के लिए खुद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव वृंदा करात फरीदाबाद पहुंची। वृंदा करात ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सिर्फ जुमले की राजनीति करते हैं, उनके शासनकाल में बेरोजगारी बढ़ी है और युवा बेरोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वहीं इस दौरान करात ने कहा कि जुमलों के लिए तो मनोहर लाल को गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बेरोजगार और कर्मचारी की आवाज़ उठाने वाली पार्टी है। खट्टर सरकार झूठ का और मिथ्या बातों का पुलंदा बांध रहा है। वो कहते हमने विकास किया, उन्होंने अभी स्पोर्ट्स पर्सन को टिकट देकर लोगों की दिमाग को बदलने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। हकीकत ये है, अगर सबसे बड़ा स्वर्ण पदक अगर किसी को प्राप्त है वो खट्टर जी हैं। क्यों? पूरे देश भर में बेरोजगारों का जो संख्या है, उनका जो रेट है बेरोजगारी का, सबसे ऊंचा स्तर हरियाणा का है, 28.5%। तो इसका मतलब क्या है? आप लाख विकास की बात करो, जब रोजगार आप देने में बिल्कुल विफल है तो आप नौजवानों को आप क्या जवाब देंगे? सूचित किया जाता है अपने बीच में